हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल और आज मैं बात करने वाला हूं फिर से डीसी के यूनिवर्स के काफी सारे अपडेट्स के बारे में कि वाल्टर हमाडा की तरफ से अब डीसी के इस यूनिवर्स को आगे किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है और इन सारी की सारी डिटेल्स को न्यूयॉर्क टाइम वालों ने कवर किया था। और इसके अलावा पैटी जेंकिंस की वंडर वुमन 3 फिल्म से रिलेटेड जो डिटेल्स निकल कर आई थी उसे कवर किया था एक्टर मैक मोरन के पॉडकास्ट ने, जहां पर पैटी जेंकिंस ने अपने हॉलीवुड के स्ट्रगल के बारे में भी बताया था, जिस पॉडकास्ट की बाद में रिपोर्टिंग इंडी वेबसाइट वालों की तरफ से बहुत ही बुरी तरीके से कवर की गई है कि पैटी जेंकिंस का झगड़ा वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो से चल रहा है अपने फ्यूचर की फिल्मों के प्रोजेक्ट्स को लेकर, यानी कि वंडर वुमन 3 फिल्म के प्रोजेक्ट्स को लेकर। तो चलिए अब इन सभी के सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पैटी जेंकिंस की कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसके आर्टिकल में सीधे सीधे इंडी वेबसाइट वालों ने यही लिखा है कि पैटी जेंकिंस का झगड़ा कहीं ना कहीं वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो से चल रहा है, क्योंकि मैक के उस पॉडकास्ट में पैटी जेंकिंस ने बताया था कि काफी अच्छी मॉन्स्टर जैसी फिल्म डायरेक्ट करने के बाद भी उनका स्ट्रगल काफी ज्यादा लंबा रहा और स्टूडियो की तरफ से उनके प्रोजेक्ट पर कभी भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और जो स्टोरी वो लिख कर लाती उसे भी सही तरीके से स्टूडियो काफी फोर्स में उन्हें प्रेजेंट करने नहीं देता और यहाँ पर इंडी वेबसाइट वालों ने पूरा पूरा ब्लेम वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो पर डाला है। लेकिन उस पॉडकास्ट की डिटेल की अगर फिर से बात करें तो पैटी जेंकिंस ने वहां पर अपने स्ट्रगल के बारे में बताया था, ये बात मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिस स्ट्रगल को उन्होंने साल 2003 की बनाई गई फिल्म मॉन्स्टर के बाद से कंटिन्यू रखा है, जिस फिल्म के लिए चार्लीज थेरॉन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तक मिल चुका है और इतनी अच्छी और जबरदस्त फिल्म बनाने के बाद भी पैटी जेंकिंस को हॉलीवुड में फिल्मों के प्रोजेक्ट्स के नाम पर ज्यादा कुछ अच्छी फिल्में डायरेक्ट करने मिली ही नहीं और उन्होंने ऐसे ही काफी लंबा स्ट्रगल कुछ टीवी शोज को बनाकर किया। लेकिन उसके बाद उनके करियर की जो काफी बड़ी बूस्ट फिल्म थी वो थी साल 2017 की वंडर वुमन फिल्म, लेकिन इससे पहले उन्हें डिज्नी स्टूडियो की तरफ से अप्रोच किया गया था फिल्म थॉर द डार्क वर्ल्ड डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से उस फिल्म की स्टोरी थी पैटी जेंकिंस उस फिल्म की स्टोरी में काफी सारे चेंजेस करना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेट स्टूडियो की तरफ से उन्हें उसकी परमिशन बिल्कुल भी नहीं दी गई और बाद में थॉर द डार्क वर्ल्ड फिल्म किस तरीके की कचरा बनाई गई उसकी डिटेल आप सभी को पता है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और डिज्नी वालों की तरफ से फिर से पैटी जेंकिंस डिज्नी स्टूडियो के लिए टावर्स की यूनिवर्स की एक स्पिन ऑफ फिल्म रोग स्क्वाड्रन को डायरेक्ट कर रही है और अब डीसी की तरफ से भी उन्हें वंडर वुमन 3 फिल्म डायरेक्ट करने के लिए दे दी गई है और इसके अलावा क्लियोपेट्रा फिल्म भी। और इसके अलावा जो बात पैटी जेंकिंस ने स्टूडियोज को लेकर कही थी वो शायद सिर्फ वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो नहीं बल्कि बाकी और दूसरे हॉलीवुड स्टूडियोज भी हो गए, लेकिन बाद में जब उन्हें वार्नर ब्रदर्स की तरफ से वंडर वुमन फिल्म डायरेक्ट करने के लिए दी गई तो उन्होंने इस फिल्म को काफी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया, जिससे स्टूडियो इतना ज्यादा खुश हुआ कि स्टूडियो ने वंडर वुमन 1984 फिल्म की कहानी लिखने की भी जिम्मेदारी पैटी जेंकिंस को दे दी थी और अब ऐसा ही कुछ फिल्म के थर्ड पार्ट को भी लेकर किया जा रहा है और इसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज को भी, जो हमें HBO Max पर देखने मिलने वाली है। और इसी के साथ साथ पैटी जेंकिंस ने ये बात भी क्लियर कर दी है कि उनके पास बाबरा के कैरेक्टर को लेकर और भी काफी सारे प्लान्स है, यानी कि चीता के कैरेक्टर को लेकर पैटी जेंकिंस अब भी कुछ ना कुछ करने वाली है। रीजन है वंडर वुमन 1984 फिल्म में बाबरा के कैरेक्टर को सिर्फ डेवलप करना, लेकिन वो अभी चाहती क्या है और उसका मकसद क्या है उस स्टोरी को पैटी जेंकिंस ने अब तक हाथ नहीं लगाया है, ये बात उन्होंने खुद कंफर्म की है, क्योंकि वंडर वुमन 1984 फिल्म का जो मेन विलन था वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सवेल लॉर्ड है, जिसके चैप्टर को उन्होंने पूरी तरीके से उस फिल्म में कंप्लीट कर दिया है और अब बारी उनके हिसाब से चीता के कैरेक्टर की है, जिसे काफी डिफरेंट तरीके से वो डीसी के यूनिवर्स में फ्यूचर में इंक्लूड करेगी, तो हो सकता है कि वो फिल्म वंडर वुमन 3 हो। वेल, तो ये हो गई सारी की सारी डिटेल्स पैटी जेंकिंस के यूनिवर्स यानी कि वंडर वुमन को लेकर। अब बाकी डीसी की छोटी छोटी अपडेट्स की बात करें, जिसमें जारेड लीटो का ये कहना है कि उनका जोकर शायद उनके हिसाब से डीसी के फ्यूचर के बाकी दूसरे यूनिवर्स में भी नजर आ सकता है, क्योंकि अब तक जारेड लीटो के हिसाब से उन्होंने इस कैरेक्टर को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है, जिस पर मैं भी एग्री करता हूँ। और इसके अलावा जेम्स गन की सुसाइड स्क्वाड फिल्म आर रेटेड है, ये बात भी कंफर्म ऑफिशियली कर दी गई है। और इसके अलावा सोनी पिक्चर स्टूडियो की भी छोटी सी डिटेल्स की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, जिसकी कंफर्मेशन सोनी पिक्चर स्टूडियो के CEO टोनी विंसिक्यूरा ने दी है कि जिस तरीके से उनके प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा प्रॉफिट्स में चल रहे हैं उसकी वजह से उन्हें वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो की तरफ से काफी अप्रोच किया जा रहा है और सोनी पिक्चर्स में काम कर रहे बाकी दूसरे एक्टर्स को भी इसी तरीके के ऑफर्स वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज की तरफ से दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर बिजनेस की बात चल रही है, जिसकी अगर डील हो गई तो डिटेल्स के हिसाब से कहा यही जा रहा है कि सोनी पिक्चर स्टूडियो के कुछ प्रोजेक्ट्स हमें HBO Max पर देखने मिल सकते हैं, तो हु नोस के स्पाइडरमैन के भी यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट हम HBO Max पर देखें, जैसी डिटेल Amazon Prime की तरफ से निकल कर आई थी कि हमें स्पाइडरमैन की कुछ स्पिन ऑफ सीरीज जल्द ही Amazon Prime पर देखने मिलने वाली है, तो शायद वैसा ही कुछ हम HBO Max पर भी देखें। और इसके अलावा ये डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है कि वार्नर ब्रदर्स मीडिया
HBO Max के टाइटल को लेकर यह सोच रहा है कि शायद वो लोग इस नाम को चेंज कर HBO Max को फ्यूचर में Warner Max के नाम से बुलाएंगे, जो ठीक ही है। और अब बात करते हैं वॉल्टर हमाडा की, जो DC के यूनिवर्स के केविन फैगी है, तो उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को ईयर 2023 तक के लिए और बढ़ा दिया है, यानी कि वो लंबे समय तक DC के इस यूनिवर्स को आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखने वाले है, जो की एक अच्छी बात भी है क्योंकि उनके अंडर DC के यूनिवर्स को काफी ज्यादा बेटर कर दिया गया है। और उसी के साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम के उस इंटरव्यू में वॉल्टर हमाडा ने जो डिटेल्स निकालकर लोगों के सामने रखी है, उस पर दो वीडियो में ऑलरेडी कवर कर आपको उसकी डिटेल्स दे चुका हूँ, जिनमें से एक जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग का फ्यूचर है और दूसरा बैटमैन का फ्यूचर। और अब बात करते हैं कि वॉल्टर हमाडा ने DC के यूनिवर्स को किस तरीके से सेट करने की प्लानिंग की है। वेल, उनकी प्लानिंग में जो बात उन्होंने कंफर्म की है वो यही है कि DC के यूनिवर्स की तरफ से हर साल 4 फिल्मों के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जाएगा। जी हाँ, हर साल DC के यूनिवर्स की तरफ से हमें 4 फिल्में देखने मिलेगी, वो भी सुपर हीरोज की, जिनमें से 2 फिल्में काफी ज्यादा बड़ी बजट की होगी और उन दोनों ही फिल्मों को DC की तरफ से ऑफिशियली थिएटर रिलीज ही किया जाएगा और बाकी बची 2 फिल्में जो कम बजट की होगी वो सीधे HBO Max के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ, इस बात को ऑफिशियली कंफर्म किया गया है, जो कि काफी अच्छी न्यूज है। और याद रहे, मैंने यहाँ पर यह अपडेट आपको DC के 4 प्रोजेक्ट्स की फिल्मों को लेकर दिए है हर साल, ना कि स्पिन ऑफ सीरीज के, जिससे ये बात भी साफ हो जाती है कि फिल्मों को छोड़कर स्पिन ऑफ सीरीज भी DC के यूनिवर्स की HBO Max पर हमें ज्यादा से ज्यादा देखने मिलने वाली है हर साल, ठीक मार्वल स्टूडियो के प्रोजेक्ट्स की तरह, जो इस साल तो फैंस को पूरी तरीके से पागल करने वाले है। लेकिन DC के यूनिवर्स पर भी नजर डाले तो उनकी प्लानिंग भी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, जिस प्लानिंग में 2 नाम जो कंफर्मेशन के तौर पर निकल कर आए हैं, तो वो नाम है बैट गर्ल और स्टेटस शॉक फिल्म के। ये दोनों ही फिल्में हमें HBO Max पर देखने मिलने वाली है। और इसके अलावा अगर रूमर की बात करें तो ब्लैक कैनरी की एक स्पिन ऑफ सीरीज की भी बात की जा रही है रूमर के तौर पर, और हाँ, एक्वामैन के यूनिवर्स से मीरा की स्पिन ऑफ सीरीज की भी बात की गई है, और ड्वेन जॉनसन के ब्लैक एडम के भी यूनिवर्स की स्पिन ऑफ की सीरीज की रूमर चल रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट हेनरी कैविल के मैन ऑफ स्टील के यूनिवर्स से रिलेटेड ऐसी कोई भी अपडेट निकल कर अब तक तो फिलहाल नहीं आई है, जिस पर अब भी उम्मीद कायम है। लेकिन अब तक इन प्रोजेक्ट्स की कंफर्मेशन नहीं की गई है DC यूनिवर्स के बाकी स्पिन ऑफ के प्रोजेक्ट्स के मामले में, जिनमें से 3 प्रोजेक्ट जो कंफर्म हुए हैं, तो उनमें से सबसे पहला प्रोजेक्ट तो पैटी जेंकिंस की अमेज़न की स्पिन ऑफ सीरीज है, उसके बाद मैट रीव्स के बैटमैन के यूनिवर्स से गौतम सिटी पर फोकस करती हुई स्पिन ऑफ सीरीज, और तीसरा प्रोजेक्ट है जेम्स गन के यूनिवर्स सुसाइड स्क्वाड से पीस मेकर की स्पिन ऑफ सीरीज का। तो देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है और ब्रेकिंग न्यूज भी। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछो तो मैं तो फिलहाल यही कहूंगा कि वॉल्टर हमाडा को अपने इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स पर थोड़ा तो ब्रेक लगाना चाहिए। और अगर उसके रीजन की बात करें तो वो है DC के यूनिवर्स के कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट और काफी ढंग की स्टोरीज, जिन पर अभी तक DC के यूनिवर्स की तरफ से उतना भी ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। तो जो प्लानिंग उनकी तरफ से ठीक मार्वल की तरह की जा रही है वो काफी ज्यादा अच्छी तो है, बट सबसे मेन बेस यही है कि उन्हें अपने प्रोजेक्ट के इस अनाउंसमेंट के साथ साथ फैंस को ये तक बताना चाहिए कि उन सुपर हीरोज के रोल को कौन से एक्टर प्ले करने वाले हैं, किस राइटर को उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स के लिए हायर किया है और कौन से डायरेक्टर DC के यूनिवर्स के उन प्रोजेक्ट्स को डायरेक्ट करेंगे। ये सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा मेन है, जो बाकी दूसरे लोगों को DC के इन प्रोजेक्ट्स के लिए पूरी तरीके से पागल करने में कामयाब हो सकती है, अगर इन बाकी चीजों पर ध्यान दिया गया तो, क्योंकि बाकी की ऑडियंस इन्हीं सभी चीजों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देती है कि प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व कौन कौन है, ना कि सिर्फ और सिर्फ सुपर हीरो के ही नाम पर आप काफी ज्यादा हाइप जनरेट करो और बाद में वो प्रोजेक्ट जब निकल कर लोगों के सामने आएगा तो उसमें उतना भी ज्यादा दम नहीं होगा। लेकिन अब भी मैं यही कहूंगा कि मुझे वॉल्टर हमाडा की बात पर काफी ज्यादा भरोसा है, आई होप कि वो DC के यूनिवर्स को और भी काफी ज्यादा बेटर करते चले जाए। लेकिन एक छोटी सी सलाह भी कि वो DC के यूनिवर्स को मार्वल के यूनिवर्स की तरह बिल्कुल भी ट्रीट ना करे। खैर, तो अब जैसी डिटेल मैंने आपको DC के यूनिवर्स से रिलेटेड दी है, वैसी ही एक डिटेल मैं आपको Disney के यूनिवर्स से रिलेटेड भी देने वाला हूं, क्योंकि काफी सारी वीडियोस को मैंने अपने इस चैनल पर फिलहाल तो अभी कवर नहीं किया है, यानी कि वो बहुत ज्यादा पेंडिंग है, जिन्हें मैं पूरी तरीके से कवर अपने इस चैनल पर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।